आस्था के अलग अलग रूप देखे जा सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देख सकते हैं गया के इस्कॉन मंदिर में, जहां भगवान को ठंड लगने पर उन्हें ऊनी वस्त्र उलेन पहनाए गए हैं। और देख सकते हैं ये गया का इस्कॉन मंदिर है और यह काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ के यहाँ जो है कि भगवान की प्रतिमा है, राधे कृष्ण की प्रतिमा है, सुदर्शन की प्रतिमा है, बलराम जी की प्रतिमा है, तो यहाँ कई देवी देवताओं की प्रतिमा है, तो उन्हें उलेन वस्त्र पहनाया गया है। ये उलेन वस्त्र इसलिए पहनाए गए हैं क्योंकि इन दिनों शीतलहरी बढ़ गई है, ठंड का कोप जो है बढ़ गया है, तो उसे देखते हुए भगवान जी को ठंड न लगे तो उन्हें भी वस्त्र पहनाया गया है। चूँकि यहाँ इस संबंध में यहाँ के जो पुजारी हैं उनका कहना है कि यह प्रेम का आदान प्रदान है, वैसे तो भगवान ठंड गर्म से ऊपर हैं लेकिन यह प्रेम का आदान प्रदान है, चूँकि भगवान भी एक व्यक्ति हैं, तो जिस प्रकार से हमारे परिजनों को ठंड लगती है उसी तरह से भगवान जी को भी ठंड लगती है। यहाँ भगवान जी को ठंड से बचाने के लिए अभी फ़िलहाल में जो है कि ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं, वहीं जो है कि गर्म जल का ही यहाँ अभी उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह यहाँ के पुजारी जी की माने तो उनका कहना है कि ठंड थोड़ी और बढ़ेगी तो ये हीटर का भी यहाँ उपयोग किया जाएगा। तो इस तरह से यह अनोखी आस्था है कि यहाँ भगवान जी को ठंड से बचाने के लिए उन्हें उन्हीं वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। ठंड के दिनों में जो भगवान जी को उन्हीं वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, तो भगवान जी जो है वो भावग्राही है, भगवान प्रेम के भूखे हैं, तो भगवान जी तो सर्दी गर्मी ये सबसे ऊपर है, क्योंकि भगवान जी का जो शरीर है वो कम्प्लीटली सच्चिदानंद शरीर है, लेकिन भगवान जो है प्रेम स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार भक्त उनको भोग लगाते हैं, बहुत बहुत स्वादिष्ट भोजन बना के भगवान जी को भोग लगाते हैं, तो भगवान उसको प्रेम से स्वीकार करते हैं। और भगवान इसको पुष्टि भी कर रहे हैं भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो भी मुझे पत्र पुष्प फल जल कुछ भी देता है प्रेम से, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। तो उसी प्रकार अभी सर्दी का समय है तो भक्तों का भाव है कि भगवान जी को भी हमें, जैसे हम लोग गर्मी कपड़ा पहन रहे हैं तो भगवान जी को भी गर्मी कपड़ा पहनाना चाहिए, तो गर्मी कपड़ा पहनाया जा रहा है, और थोड़ा ठंड और बढ़ेगा तो भगवान जी के पास हीटर भी रखा जाएगा ताकि भगवान जी को थोड़ा सा गर्म लगे। तो जिस प्रकार हम जिस भाव देंगे और जो भी प्रेम देंगे भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान को व्यक्ति मानते हैं? हाँ, भगवान एक व्यक्ति है, भगवान एक व्यक्ति है, हमेशा भगवान ये लीला करके दिखाए हैं। कृष्ण भगवान आए थे एक व्यक्ति के रूप में आए थे, उन्होंने भी जो है अपने स्वजन परिजनों की सेवा की, जो भी उनसे बड़े थे उनको प्रणाम करते थे, इस प्रकार उन्होंने आचरण करके सिखाए, उन्होंने भी गुरु स्वीकार किया। तो इसी प्रकार भगवान राम आए, तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवान जो है वो भी एक व्यक्ति है और परिवार के मुख्य है। जैसे ये मंदिर है, ये मंदिर के वो मालिक है, तो मालिक को ज़्यादा फैसिलिटी देना चाहिए, है कि नहीं? ये अनूठी आस्था भक्तों की है भगवान के प्रति। जी जी जी, तो इसी प्रकार उनकी सेवा किया जाता है। नाम बता दीजिए। जगदीश श्याम दास, इस्कॉन गया मंदिर का अध्यक्ष। तो इस तरह से जिस तरह व्यक्तियों को ठंड लगती है उसी तरह से भगवान जी को भी ठंड लगती है, और इसी को लेकर भगवान जी को उन्हीं वस्त्र इन दिनों पहनाए गए हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ गई है। और ऐसे में यहाँ इस्कॉन मंदिर में अनूठी आस्था देखी जा सकती है, जहाँ भगवान जी को सर्दी से बचाने के लिए उन्हें उन्हीं वस्त्र पहनाए गए हैं। गया से ईटीवी भारत के लिए रत्नेश कुमार।